सब्जी मंडी सोलन में हिमाचल किसान सभा के नेतृत्व में किसानों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता हिमाचल किसान सभा के राज्य अध्यक्ष कुलदीप सिंह तंवर ने की। इसमें जिला सोलन, सिरमौर और शिमला से भी किसान सभा सदस्यों ने भाग लिया है। बैठक में 28 जून को किसानों की मांगों को लेकर सब्जी मंडी आरती एसोसिएशन और प्रशासन के साथ हुई बैठक के निर्णयों की समीक्षा की गई। साथ ही बैठक में 2 अगस्त को महापंचायत बुलाने का फैसला लिया गया है। इस बैठक में सोलन, सिरमौर, चौपाल और करसोग के उन सभी किसानों को बुलाया जाएगा जिनका टमाटर सब्जी मंडी सोलन में बिकने के लिए आता है। किसानों की मांगों को लेकर बैठक हुई और इस बैठक में ये कहा गया है कि 2 अगस्त को महापंचायत बुलाई जाएगी, किसानों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। किसान सभा की बैठक हुई और ख़ासतौर से जो टमाटर की खेती करने वाले किसान हैं उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए काम किया जाएगा। एक महीने के बाद जो इन लोगों ने टाइम मांगा था उस डिमांड चार्टर पे, अगर वो पूरा नहीं हुआ 27-28 जुलाई तक, तो उसके बाद 2 अगस्त को एक महापंचायत यहाँ पर सोलन, सिरमौर, शिमला और मंडी जिला का जो किसान टमाटर उत्पादक है उनकी संयुक्त रूप से की जाएगी। जो अगर बजट